केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुवार को दुर्ग दौरे को लेकर भिलाई जिला युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विरोध करने का ऐलान किया है। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि एक तरफ देश में महंगाई चरम पर है, मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने दुर्ग आ रहे हैं। इन्हें देश की जनता से कोई सरोकार नहीं। अमित शाह को दुर्ग दौरे के दौरान बताना चाहिए कि नोटबंदी से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या फायदा हुआ है, रेल सुविधा क्यों कम कर दी गई है, महंगाई कम करने का वादा किया गया था उसका क्या हुआ। इसके अलावा अन्य विषयों पर नाकाम रही केंद्र सरकार के खिलाफ अमित शाह के दौरे का विरोध किया जाएगा। देखिए, कल जैसे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भिलाई आगमन हो रहा है तो उसके विरोध में हम कल दुर्ग जिला NSUI व छत्तीसगढ़ NSUI के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण अमित शाह जी को काले झंडे दिखा के उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो हालात अभी मणिपुर में चल रहे, लगभग 100 के ऊपर जाने जा चुकी है, लगातार हालात बद से बदतर हो रहे हैं, फिर भी अमित शाह जी वहाँ जाना छोड़कर यहाँ पर आकर अपनी राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और चुनावी रैलियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि मणिपुर हिंसा है, अभी कोल्हापुर में भी हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का हुआ है, लगातार ऐसी देश के लिए खतरनाक गतिविधियाँ लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री जी को इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, देश के अंदरूनी हालातों से उन्हें कोई मतलब नहीं, इसका विरोध NSUI करें। हम काला झंडा दिखाकर व गो बैक अमित शाह के रोड पर लिखकर व हाथ में पोस्टर करके गो बैक अमित शाह, हम उनके नैतिक कर्तव्य को उनको याद दिलाएंगे कि आप देश के गृह मंत्री, देश के जो अभी बिगड़े हालात हैं आप उस पर कार्य कीजिए, चुनावी तैयारियां आप बाद में भी कर सकते हैं। हम NSUI के सैकड़ों साथी भिलाई में जहाँ पर हमें स्थान मिलेगा वहाँ पर हम उनका विरोध करके उनके नैतिक कर्तव्य याद दिलाएंगे।